पहली बात जो कही जा रही है कि ये बिल जो है भारतीय संविधान के समानता के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। अब आर्टिकल 14 जो है हमारे संविधान में वो समानता की बात करता है, राइट टू इक्वालिटी, जो कहता है कि किसी के साथ भी जाति, धर्म, लिंग या कोई और चीज़ के नाम पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये बात जो है कही जा रही है, लेकिन इस बिल में जो है गैर मुसलमानों को ही इंक्लूड किया गया है। अब एक बात जो जानने की है वो ये है कि आर्टिकल 14 सिर्फ भारतीय नागरिकों पर लागू होता है, पूरी दुनिया भर पे लागू नहीं होता है। तो जो रेफ्यूजी होते हैं वो भारतीय नागरिक तो होते नहीं हैं, इसलिए जो है उन पर जो है ये चीज़ लागू नहीं होती। तो ये कहना कि आर्टिकल 14 का वॉयलेशन है, ये बात जहाँ पे टोटली गलत हो जाती है। और आर्टिकल 14 जो है ये भी कहता है कि जो भी सप्रेस्ड क्लास हैं उनके फेवर में कुछ अच्छा करने के लिए जो है थोड़े बहुत जो है वॉयलेशन किए जा सकते हैं, ये भी आर्टिकल 14 छूट देता है। इसीलिए जो है समानता का अधिकार है, लेकिन फिर भी हमारे देश में रिजर्वेशन जैसी चीज़ भी है। दूसरी बात जो कही जा रही है कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, तो ये भी गलत बात है। तो पहली बात हमें ये समझनी है कि इस बिल को जो लाया गया है उसका एक ही आधार है, वो आधार है धार्मिक प्रताड़ना। इसीलिए जो है यहाँ पे नेपाल इंक्लूडेड नहीं है, नेपाल में भी तो हिंदू रहते हैं, बौद्ध रहते हैं। श्रीलंका इंक्लूडेड नहीं है, वहाँ भी हिंदू रहते हैं। तो अगर हम जो है इसको सिर्फ बोलें कि ये मुसलमानों के खिलाफ है तो ये बात जो है बिल्कुल गलत है। अगर आप नेपाल को लें, श्रीलंका को लें, तो ये भी कहा जा सकता है कि ये हिंदुओं के खिलाफ है क्योंकि वहाँ पे इंक्लूड नहीं है, या बौद्ध के खिलाफ है क्योंकि उनके उधर जो है इंक्लूड नहीं हो रहे हैं। तो क्योंकि नेपाल में कोई जो है इस तरह की धार्मिक प्रताड़ना नहीं होती, श्रीलंका में नहीं होती, श्रीलंका में तमिल हिंदू हैं, उनको पूरे संवैधानिक अधिकार मिलते हैं, उनके लिए कोई पाबंदियां नहीं लगी हैं, तो जैसे आम नागरिकों को जो अधिकार मिलते हैं वो उन्हें भी मिलते हैं, तो वहाँ कोई धार्मिक प्रताड़ना हो ही नहीं रही है। तो जहाँ हो रही है सिर्फ उन्हीं देशों के लिए जो है ये संशोधन किया जा रहा है। तो कहाँ हो रही है, पाकिस्तान में हो रही है, अफगानिस्तान में हो रही है, बांग्लादेश में हो रही है, और इसकी खबरें आए दिन आती रहती हैं। और जो है ये बात भी कही जा रही है कि मुसलमानों के अधिकार कम हो रहे हैं, तो बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं। तो जो पहले थे बिल्कुल वैसे ही हो रहे हैं, बस सिर्फ फर्क इतना आ रहा है कि जो प्रताड़ित लोग हैं, जो धार्मिक प्रताड़ित लोग हैं, उनके लिए 11 साल की सीमा की जगह 6 साल की जा रही है। तो मुसलमान के लिए जो भी कानून है वो बिल्कुल पहले जैसे ही हैं, कोई यहाँ पे जो है बदलाव नहीं हो रहा है। ओरिजिनल जो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट है वो वैसा का वैसा ही है। तो ये बात भी जो है बिल्कुल झूठ फैलाई जा रही है अकबर ओवैसी या इस तरह के और दूसरे नेताओं के द्वारा। तीसरी बात जो गलत कही जा रही है वो असम के बारे में कही जा रही है कि ये जो है असम एकॉर्ड को डाइल्यूट करता है। ये भी बात गलत है क्योंकि जो कट ऑफ डेट रखी गई है असम के लिए वो यह है 24 मार्च 1971। तो यानी कि इसके पहले तक जो आए हैं वो जो है लीगल बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो इलीगल हैं वो लीगल बन जाएंगे, तो ऐसा कुछ इधर नहीं है। चौथी बात जो कही जा रही है कि ये असम के लोगों के खिलाफ है, तो ये बात भी जो है टोटली गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि असम के लोगों को जो है उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए ही जो है एनआरसी किया जा रहा है। तो एनआरसी जो हम कर रहे हैं उसमें क्या किया जा रहा है, जो इलीगल घुसपैठिए हैं उन्हें बाहर किया जाएगा। और जो है ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एनआरसी के खिलाफ कहीं भी नहीं है, एनआरसी के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर रहा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है इसके साथ। तो ओरिजिनल जो असम की सफाई के लिए काम चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा। और जो है ये एक्ट जो है, जो संशोधन है, सिर्फ असम सेंट्रिक तो है नहीं, पूरे भारत के लिए ही है। और जो है एक और बात कही जाती है कि बंगाली हिंदू जो है वहाँ डोमिनेट करने लगेंगे क्योंकि बांग्लादेश से जो है हिंदू ही माइग्रेट करेंगे और वो जाके असम में बस जाएंगे। तो जो है उससे क्या हो जाएगा कि असामी बोलने वाले, असामी भाषा बोलने वाले लोग कम हो जाएंगे, बंगाली बोलने वाले बढ़ जाएंगे। तो ये बात भी गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पूरे देश के लिए लागू है। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई जो बाहर से आएगा, जिसको नागरिकता मिलेगी, वो असम में ही बसेगा, उसके पास तो पूरे
और 28 राज्य भी है ना, वहाँ पर भी वो तो वो जा सकता है। तो ऐसा हम भ्रम क्यों फैला रहे हैं कि वो सिर्फ असम में ही बैठेगा? तो हर व्यक्ति जो है चाहता है कि उसको एक अच्छा जीवन मिले, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिले, अच्छी जॉब मिले, अच्छी इनकम मिले, तो उसके लिए जो है वो नेचुरली माइग्रेट करता ही है। जो पिछड़े बैकवर्ड स्टेट के लोग हैं वो अगड़े बैकवर्ड अगड़े स्टेट्स में जाते हैं, जो अगड़े वाले हैं वो फॉरेन में जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो एक नेचुरल प्रोसेस है। तो असम कोई इतना सुपीरियर स्टेट तो है नहीं कि सबके सब आके जो है वहीं बैठेंगे। तो जो भी आएंगे वो डेफिनेटली जो है भारत के दूसरे राज्यों में भी माइग्रेट करेंगे, क्योंकि सबको जो है अच्छा अच्छी लाइफ चाहिए, अच्छी इनकम चाहिए। तो वो सारी की सारी असम से तो पूरी हो नहीं जाती, इसलिए जो है वो दूसरी जगह भी जाएंगे। तो ऐसा कह देना कि बंगाली हिंदू जो है वो डोमिनेट करने लग जाएंगे, तो ये बात पूरी तरह गलत है। अगली बात जो कही जाती है वो भी इसी से रिलेटेड है कि हिंदुओं का जो है बहुत बड़ा सा माइग्रेशन जो है बांग्लादेश से असम में हो जाएगा। तो ये बात भी जो है सही नहीं है। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि बांग्लादेश से जो माइग्रेशन होना था बड़ा, वो हो चुका है। वो हो रहा था वार के समय, जब 1971 में लड़ाई चल रही थी तब हुआ था। तो उसके बाद से जो है अब कुछ बड़ा नहीं होना है। बांग्लादेश जो है इस समय एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, और ना सिर्फ ग्रोइंग बल्कि एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है। और जब भी किसी देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो वो कट्टरपंथ के साथ बिल्कुल नहीं बढ़ सकती, और बांग्लादेश की सरकार ने जो है कट्टरपंथ को ख़त्म करने के लिए, कुचलने के लिए जो है बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। मदरसों को जो है लगभग पूरी तरह से उन्होंने वहाँ पर बंद जैसा कर दिया है। तो इतने सारे एक्शन उन्होंने लिए हैं, और वो जो है माइनॉरिटीज़ के अधिकारों का भी अब जो है पूरा ध्यान रख रहे हैं। तो जो प्रताड़ना पहले बांग्लादेश में होती थी अब वो नहीं हो रही है, उसमें भारी कमी आ चुकी है। तो अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि सारे के सारे जो बांग्लादेशी हैं हिंदू हैं, जहाँ पे उनकी 8% आबादी है, वो सबके सब इधर ही आ जाएंगे, तो ये बात भी जो है टोटली गलत है। और जो है इसका भी एक तोड़ रखा गया है उस असम के लिए, ख़ास तौर पे जो है 31 दिसंबर 2014 जो है एक कट ऑफ डेट लगाई गई है। यानी कि इस डेट के पहले जिन लोगों ने माइग्रेट किया है उनको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। सातवीं बात जो कही जाती है वो भी असम से रिलेटेड है कि असम के ट्राइबल एरियाज़ जो हैं उन पर कब्जा हो जाएगा हिंदू बंगालियों का जो बांग्लादेश से आ सकते हैं। तो ये बात भी सही नहीं है। तो जो भी अब तक हिंदू बंगाली आए हैं 1971 के युद्ध के दौरान, वो सब के सब जो है बराक वैली में सेटल हुए हैं, और ये बराक वैली असम में है जो कि ट्राइबल इलाकों से काफ़ी दूर है। तो ये जो बिल है वो कहीं से भी जो है ट्राइबल रिलेटेड कानूनों का कोई भी डाइल्यूशन नहीं करता। तो ट्राइबल लैंड के प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास अलग से कानून है, और उन कानून का यहाँ पे कोई जो है दखल सीएबी के साथ कोई क्लैश जो है वो नहीं हो रहा है। साथ में हमारे संविधान की छठी शेड्यूल में जो है, 6th शेड्यूल में जो है चीज़ें लिखी हुई हैं ट्राइबल एरियाज़ के बारे में, और फुल जो है उनका प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो यहाँ पे जो है सीएबी एप्लीकेबल भी नहीं होता है। तो ये बात भी जो है विपक्षियों द्वारा जो है झूठ फैलाई जा रही है। तो ये 7 जो है भ्रम फैलाए जा रहे हैं इस एक्ट के बारे में, जो कि गलत हैं।